बस्मीम्स फर्स्ट आज हम बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर से है ना वो देखेंगे ठीक है ना? वैसे हमने बैक्टीरिया की अकलस्त देखी है कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है बैक्टीरिया एवरीवेयर है ठीक है और इसका साइज़ जो है वो वो देखा हमने कि बड़ी बहुत ही इसके साइज़ में वेरिएशन हैं ठीक है ना और जो है कि इसका छोटे से छोटा कितना होता है और बड़े से बड़ा जो है उसका साइज़ कितना होता है ठीक है और उसके बाद ये देखा कि इसकी शेप्स जो है ना वो वो कैसी हैं ठीक है ना तो बेसिकली इसके हमने कहा कि इसके तीन तरह के जो शेप्स हैं और वो बेसी कोक्सी और स्पायरी ठीक है ना और इसके अलावा भी शेप्स इसकी हैं ठीक है बहरहाल तीन जो है हमारी हमारे सिलेबस में वो हमने देखी हैं इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि अब जो बैक्टीरिया का जो है एक सेल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो वो हो सकती हैं ठीक है ना बैक्टीरिया का सर स्ट्रक्चर जो है ना वो हम देखेंगे तो इसमें जो है ये वाली बात हमने स्टार्ट में देखी है कि क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर तो वो क्रोमेटिन बॉडी हो सकती है इसके अंदर फैलेजाला हो सकता है ठीक है ना सलाइम और कैप्सूल और ये वाली चीज़ें जो है ना इनका जिक्र हमने पढ़ा है ठीक है ना तो अब हम ये देखते हैं तो फैलेजाला जो है वो हो सकता है अगर वो हो सकता है तो वो फिर जो है कि वो कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है ठीक है ना ये जो फ्रिक्शन नहीं है वो यहाँ पे वर्ड ये वर्ड जो है ये फंक्शन है ठीक है ना फलेजाला एंड देयर फंक्शंस दीज आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस ठीक है ना ये बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स होता है दे कम आउट थ्रू सेल वॉल ये सेल वॉल में से निकल के बाहर समझे आता है ठीक है ना एंड ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है बेसल बॉडी है इसके सेल के अंदर वहाँ से ये निकला है फैलेजाला ठीक है सिंगुलर वर्ड होगा तो फेलेजलम में ठीक है ना स्ट्रक्चर जस्ट बिनीथ दी सेल मेम्बरेन और सेल बॉडी जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्बरेन के बिल्कुल उसके नीचे है इन दी साइटोप्लाज्म लेकिन है साइटोप्लाज्म में ठीक है ना दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फेलेजिलीन तो ये जो फेलाजेला है ये किस प्रोटीन से बना हुआ फैलाजिल से ठीक है ना ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फेलेजेला पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फेलेजेला एंड द नंबर ऑफ फेलेजेला प्रेजेंट बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट एक्सोनमिक ग्रुप्स तो बैक्टीरिया को आप क्लासिफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में किसकी बेस पे कि इधर फेलाजिला प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट ठीक है और इसके ये जो है अटैचमेंट का पैटर्न कैसा है और ये कि फैलाजला की तादाद कितनी है ठीक है ना तो इन इन बातों की बेस पे भी आप बता सकते हैं कि बक्टेरिया जो है वो कैसा है ठीक है ना एर ट्राइकस है एक उसका एक उसका ग्रुप टेक्सोनॉमिक ग्रुप एय ट्राइकस ठीक है न इसका मतलब है कि फेलाजिला जो है नहीं है ठीक है यानी कि ए है ना ए ए ट्राइकस यानी कि फेलेजाला मौजूद ही नहीं है अगर विदाउट एनी फेलेजाला ओके वन सिंगल पोलर फेलेज इज प्रेजेंट जब एक तरफ एक फैलेजलम प्रेजेंट होगा तो वो है वो बैक्टीरिया जो है या उसका ग्रुप जो है मोनोट्राइकस है और अगर एक गुच्छा जो है प्रेजेंट है किसी एक पुल के ऊपर एक गुच्छा ठीक है तो फिर वो उसका क्या नाम है फिर वो जो है अगर एस यानी कि ए ट्राइकस है जब नहीं है मोनो ट्राइकस है जब ए, एक है और जब इफ टफ टैल चला इज प्रेजेंट एट वन पोल तो ये फिर लोफो ट्रा, ट्राइकस है क्या है ये ये लोफो ट्राइकस है ठीक है ना और इसके पास इस एम फी ट्राइकस एक आप फिर ऐसी कंडीशन है जब ये टफ्ट ऑफ सीलिया जो है टफ्ट ऑफ फैलाजला जो है दोनों पूल्स पे प्रेजेंट हो ठीक है जब पूल की दोनों तरफ जो है प्रेजेंट हो तो तब क्या है तब एम फी ट्राइकस है जब एक पूल पे एक गुच्छा प्रेजेंट है फैलाजला का तो लोफो ट्राइकस है ओके अभी इसके बाद एक और ग्रुप है टेक्सोनोमिक इसका नाम है जी पेरीट्राइकस ठीक है ना इन पेरीट्राइकस फॉर्म फैलाजाला सराउंड दी होल सेल वॉल अगर फलाजाला जो है तमाम आ, सारी सेल वॉल के ऊपर जो है फैलाजाला मौजूद है जिस तरह सीलिया मौजूद होते हैं ठीक है ना परम शेप में अगर उस तरह है तो वो फिर पेरीट्राइकस है वो किस्म मोस्ट ऑफ बेसिलाई एंड स्पायरल शेप बैक्टीरिया है फलाजाला यानी कि हमने ये देखा था शुरू में कि फैलाजला हो भी सकते हैं और नहीं भी बैक्टीरिया के ठीक है तो अब बैक्टीरिया की ये जो दो किस्में हैं जिनमें बेसिलाई और स्पाइरल का जिक्र आया है तो इसमें इनका कहना है कि फैलाजला मौजूद है जबकि जो कॉक्सी हैं ठीक है ना जो स्पेरिकल बैक्टीरिया हैं तो वो उनमें जो है फैलाजला क्या है उनमें रेयरली प्रेजेंट है ठीक है यानी कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते है. मुश्किल है कि उसमें हो ठीक है ना इसके बाद एक प्राइमरी फंक्शन अब हमने इस इसका देख लिया कि फैले जला मौजूद है नहीं मौजूद और कितनी तादाद में है ठीक है और उनके टेक्सोलोमिक ग्रुप क्या हैं फिर बैक्टीरिया के अब हम इसका देखेंगे कि प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है ठीक है ना तो इसका फंक्शन जो है वो मोटिलिटी में है यानी कि मूवमेंट में हेल्पफुल है ये क्या फंक्शन है फ्लैजेला का ये मूवमेंट में हेल्पफुल है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला फ्लेजिलेट बैक्टीरिया यानी कि इसकी मदद से वो बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला है आल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स तो वो केमिकल के जो सिग्नल्स केमिकल से जो सिग्नल्स इनको मिलते हैं उनको वो डिटेक्ट भी करता है और उसके रिस्पांस पे मूव भी करता है ठीक है ना विच इज़ आ टाइप ऑफ बिहेवियर कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस और ऐसे बिहेवियर को कीमोटैक्सिस कहते हैं जिसमें केमिकल को महसूस करके केमिकल को रिस्पॉन्ड करना है ठीक है तो ये ये जो डायग्राम है ये लोफो बैक्टीरिया की है ठीक है तो पिली है इसके बाद आ, हम देखेंगे कि पिल्ली एंड फंक्शन के पिली देखा था कि ठीक है कि इसके बास बैक्टीरिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पिली कहते हैं और फिर उनका फंक्शंस क्या है ठीक है ना तो ये कैसे स्ट्रक्चर दीज आर होलू नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडिजिस तो ये भी यानी कि अंदर से खोखले नॉन हेलिकल और फिलामेंटस अपेंडिजिज हैं पिल्ली आर स्मॉलर दैन फेलाजिला फेलाजिला से ये छोटे हैं साइज़ में एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी मोर्लिटी में इनका रोल नहीं है तो फिर इनका क्या काम है इनका जो का, काम है वो हम आगे देखते हैं वो इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन है एक प्रोसेस तो उसमें इनका रोल है ठीक है ट्रू पिली आर ओनली प्रेजेंट ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया जो है वो आगे आप उनको मजीद ग्रुप्स में भी तकसीम करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जिनको आप कहते हैं ठीक है ना तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें जो है ना ये पिल्ली प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना ग्राम नेगेटिव में दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलिन तो फैलाजला किससे बने हुए थे फैलाजला बने हुए थे जिस प्रोटीन से उसका नाम था फ्लैजिल तो पिल्ली जिस प्रोटीन से बने उनका नाम है पिलिन ओके दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन आ मेटिंग प्रोसेस यानी कि जो आ, इनका जो सेक्सोल रिप्रोडक्शन में जो मेटिंग का प्रोसेस है उसमें जब टू सेल्स के दरमियान में कंजुगेशन प्रोसेस एक होता है ठीक है ना तो उसमें इनका कहना है कि उसमें इनका रोल है पिल्ली का सम पिली फंक्शन एज आ मीन्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सर्विसज और बाजूक पिल्ली जो है जैसे हुक्स जो हैं या शक्कर जो हैं दूसरे के साथ अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं ठीक है ना ऑर्गेनिजम यूज़ करते हैं उसी तरह ये जो पिल्ली हैं ये मुख्तलिफ सर्फस के साथ जो है ये अटैच होते हैं बैक्टीरिया जो है पिल्ली की वजह से अटैच होते हैं ओके इसके बाद कि सेल का एनवलप जो है वो कैसा है ठीक है ना कि यानी कि सेल के जो बाहर जो है वो कितनी कवरिंग है किस तरह का है तो ये सेल एनवलप ठीक है ई एन वी ई एल ओ पी ई ठीक है और उसके इसको यानी कि एनवलप को आप क्या क्या कुछ कहेंगे दी आउटर रैपिंग ऑफ़ बैक्टीरिया ठीक है ना यानी कि ऊपर वाली बाहर वाली जो सारी कवरिंग है उसकी वो डब्ल्यू आर ए डबल पी आई एन जी ठीक है ना ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल एंड वॉल्स बैक्टीरियल सर्फ़ेस एंड वॉल्स आर ऑफ़ आर वेरी डाइवर्स यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है इसमें ठीक है मुख्तु कंपोजिशन इसकी हो सकती है हो सकती है कोई तय हो सकती है किसी में किसी में नहीं हो सकती क्लेक्टिवली कम्प्लेक्सिस ऑफ लेयर एक्सटर्नल टू दी सेल सेल्फ प्रोटोप्लाजमारेल एनवल एंड इंक्लूड्स कैप्सूल स्लाइम एंड सेल वॉल तो ये जो uh, जो सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जितनी uh, मुख्तलिफ तहें हैं ठीक है ना जो मुख्तफ तहें मुख्तफ लेयर्स आती हैं प्रोटेक्शन के लिए तो वो सारी जो है वो कम्प्लेक्स लेयर्स जो हैं सारी एक्सटर्नल हैं जो सेल मेम्ब्रेन के या प्रोटोप्लाज्म के ऊपर हैं जो तो वो क्या कहलाती हैं फिर कलेक्टिवली कहलाती हैं सेल एनवेलप ठीक है ना और इसमें क्या क्या शामिल है इसमें कैप्सूल स्लाइम एंड सेल वॉल शामिल है कैप्सूल जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है खुद यानी कि अपनी ये बाहर वाली कवरिंग विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पोलिसक्राइड्स यूनिट और ये किससे बना हुआ है ये पोलिसक्राइड से बना हुआ है पोलीसेकराइड्स का क्या मतलब है यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है ठीक है ना एंड ऑफ प्रोटीन और इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भी शामिल है एंड आर ऑफ बोथ यानी कि या तो uh, ये बना हुआ है रिपीटिंग यूनिट पोलिसक्राइड्स के या प्रोटीन के या फिर दोनों के ठीक है कैप्सूल इज ट्राइटली बाउंड टू द सेल तो कैप्सूल जो है यानी कि अच्छे तरीके से उस गिर्द लिपटा होता है सेल के ग ठीक है ना इट इज़ अ थिकर ये कैसा है ये इनका कहना है कि ये थिक है गमी नेचर का है ठीक है ना चिपचिपासा होगा दैट गिव स्टिकी अपेयरेंस करेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से वो जो स्टिकी यानी कि दूसरे के साथ चिपकने की सलाहियत आएगी इसमें ठीक है ना यानी कि कॉलोनीज की सूरत में वो एक गुच्छे की सूरत में अगर बैक्टीरिया रह रहे हैं तो ये इसकी वजह से है ना ऑफ एन एन बैक्टीरिया ठीक है ना यानी कि जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है उनको जो है ये स्टिकी करेक्टर देता है और ये वो कॉलोनी की सूरत में फिर बॉल सा बन के रहते हैं इट प्रोवाइड्स पाथोजेनेसिटी तो कैप्सूल जो है इसकी वजह से क्या आ रहा है ये जो बैक्टीरिया की वो जो नुकसानदेह जो खसूसियात हैं वो इसकी वजह से आ रही हैं ठीक है ना नुकसानदेह खूसियात डेवलप होती हैं इस कैप्सूल की वजह से स्लाइम है इसके बाद ठीक है ना यानी कि सेल्फ एनवलप में आउटर रैपिंग जो है बैक्टीरिया के उसमें एक और लेयर जो है दूसरे नंबर पे वो स्लाइम है सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सोलूबल शील्ड ऑफ माइक्रोमोलिकूल्स विच इज़ कॉल्ड एज स्लाइम कैप्सूल एंड स्लाइम प्रोवाइड्स ग्रेटर पाथोजेनेसिटी टू बैक्टीरिया तो स्लाइम भी क्या कर रहा है ये भी पाथोजेनेसिटी प्रोवाइड कर रहा है ठीक है यानी कि इसकी वजह से बैक्टीरिया नुकसानदेह हो रहे हैं ठीक है एंड प्रोटेक्ट्स दैम अगेंस्ट फेजोसाइटोसिस और, और चूँकि ये इसके नुकसानदेह असरात इनके ज़्यादा हो रहे हैं बैक्टीरिया के स्लाइम की वजह से भी इस वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है इसको अपने अंदर एनगल्फ़ नहीं करते या बैक्टीरिया अपना बचाव करता है इसकी वजह से ठीक है न अपने दुश्मनों से फिर सेल वॉल है बनीथ दी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटांसिस एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटांसिस के नीचे और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे ऊपर जो है ये सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट है ठीक है ना यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और ये जो ऊपर हमने स्लाइम और कैप्सूल पड़े उनके नीचे सेल uh, वॉल है ठीक है ना इट इज़ अ स्ट्रक्चर इट डिटर्मिंस द शेप ऑफ बक्टेरियम वॉल आल्सो प्रोटेक्ट्स दी सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस यानी कि उस पानी जो है कि बाहर निकल ना तो उस पानी को सारी को बाहर निकलने देती ना बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर आने देती है ठीक है ना सेल वॉल इज़ ओनली प्रेजेंट एबसेंट इन माइको तो किन में नहीं होती सेल्वॉल माइको प्लाज्मा में नहीं है ठीक है क्रिस्टन ग्राम है एक साइंसदान ठीक है ना इन्होंने क्या किया इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ठीक है और इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को यानी कि स्टेन किया फिर उन्होंने देखा कौन से बैक्टीरिया स्टेन होते हैं कौन से जो है जो है कि डाई को रिटेन नहीं करते हैं ठीक है, है ना तो इस वजह से उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की दो किस्में बनाई है। हैं बैक्टीरिया है कुड बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर बाय दिस स्ट्रेनिंग टेक्निक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टेन पर्पल तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं जिनमें जो पर्पल कलर के डाई हो जाएंगे जो uh, ठीक है ना यानी कि पर्पल कलर के हो जाएंगे यानी कि उसमें जो प्राइमरी डाई है यानी कि इसमें डबल स्ट्रेनिंग प्रोसीजर है ठीक है यानी कि पहली दफ़ा जो स्टेन लगाया गया और उसको अगर रंग काट उस पर अगर, अगर अप्लाई करें तो अगर वो रंग ना काटें ठीक है ना तो पहला रंग ही जो है अगर मौजूद रहे तो वो 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 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ठीक है ना तो ये जो प्राइमरी डाई किस वजह से रिटेन रहता है ड्यू टू तो फॉर्मेशन ऑफ सी वी वन कम्पलेक्स ठीक है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो हैं कि जिनमें आपने पहली दफ़ा डाई आपने अप्लाई किया स्ट्रेन लगाया और उसके बाद आपने रंग कार्ड भी अप्लाई किया तो पहला स्टेन जो है वो रंग वो कच्चा रंग समझें तो उतर गया और उसके बाद आपने दूसरी दफ़ा जो है उसको स्टेनिंग की तो फिर जो सेकेंडरी जो कलर है वो उसमें मौजूद रहा है ठीक है ना तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर स्टेन पिंक रिटेन सेकेंडरी डाई यानी कि इस पर दूसरा रंग चढ़ गया और वो अब आपको रंग दे रहा है इन कलर ठीक है देर आर देर आर मेनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स और ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत सारे स्ट्रक्चरल uh, डिफ्रेंसेज हैं जो आप इसमें देखेंगे नीचे आ, आ, टेबल में ठीक है ना विचार प्राइमरी बेसिस ऑफ डिफरेंस इन स्टेनिंग बिहेवियर तो स्टेनिंग बिहेवियर इस वजह से उनका डिफरेंस है क्योंकि इनमें काफ़ी सारी जो है साख में दोनों में इख्तलाफा हैं ठीक है ना करेक्ट्रिस्टिक्स जो हैं ये देखें कि नंबर ऑफ मेजर लेयर्स जो हैं बैरूनी ग्राम पॉजिटिव में वन है ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में दो हैं बैरूनी हैं ठीक है ना केमिकल मेकअप जो है यानी कि कम्पोजिशन इसकी कैसी है इसकी पैप्टीडोग्राइकिन जो है फिफ्टी परसेंट है ठीक है और ऑफ ड्राई वेट इन सम बैक्टीरियल सेल टिकोइक एसिड है ठीक है और इसके बाद एसिड है जबकि इसमें क्या है लिपोपोलिसाइड्स हैं लिपोप्रोटीन्स हैं पेप्टिडोग्लाइकेन है टेन परसेंट वेट ऑफ सम बैक्टीरियल सेल ओके ओवरऑल थिकनेस जो है वो कैसी है तो ग्राम पॉजिटिव की जो है कि उसमें जो लिपिड्स जो हैं वो वन टू फोर परसेंट हैं सॉरी ये जो ये वाला जो आ, है ये आ, ये केमिकल मेकअप में है ठीक है ना लिपिड जो है वन टू फोर परसेंट और लिपिड जो है अलेवन टू ट्वेल्व परसेंट उसमें ठीक है ना तो ओवरऑल थिकनेस जो है वो आ, वो ये है ठीक है ना ये वाली लाइन तो ये ट्वेंटी टू एटी नैनोमीटर है ठीक है और जो ग्राम नेगेटिव है वो उसके कम थिकनेस है ठीक है ना तो वो एट टू अलेवन नैनोमीटर है उसके ठीक है ना उसका यानी कि वैल्यू जो है वो एट टू अलेवन नैनोमीटर है ओके वो आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें नहीं होती ग्राम पॉजिटिव में जबकि ग्राम नेगेटिव में है और पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है ग्राम uh, पॉजिटिव में किसी किसी में प्रेजेंट है जबकि ग्राम नेगेटिव में सब में प्रेजेंट है पेरीप्लाज्मिक स्पेस uh, और उसके बाद परमिबिलिटी जो है ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा परमिएबल है जबकि ग्राम नेगेटिव लेस परमिएबल है ओके okay? फिर इसके बाद ये है कि इसकी जो सेल वॉल की ही खसूसियात हम इसको अभी पूरी कर लेते हैं ठीक है तो आ, आ, वो जो यानी कि सेल एनवलप हम जो जो पढ़ रहे हैं ठीक है ना तो इसमें जो सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया है वो यूनिक माइक्रोमोलिकूल कॉल्ड एज पेप्टीडोग्लाइकिन uh, तो ये हमने जब uh, पढ़ा है फोर्थ चैप्टर ठीक है ना उसमें भी जब हमने सेल वॉल पढ़ी तो उस वक्त हमने देखा था कि यूकैरियोटिक की सेल वॉल कैसी है फंजाई की कैसी है और बैक्टीरिया की कैसी है ठीक है ना तो वो जहन में रखें आप इट्स अमाउंट वेरीज़ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया तो इसकी अमाउंट uh, 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 इसकी मकदार मुख्तलिफ है पेप्टीडोग की इट इज़ कम्पोज ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकिन चेंस ठीक है ना क्रॉस लिंकड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स तो ग्लाइकेन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और ये जो पेप्टाइड है इसका मतलब है कि प्रोटीन ठीक है ना तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनी हुई है द इंटेक्ट सेल वॉल आल्सो कंटेन्स केमिकल कॉन्स्टिटुंट्स सच एज शुगर मोलीकूल ठीक है यानी कि जो लाइव जो सेल वॉल है उसमें और चीज़ें भी मौजूद हैं जिसमें शुगर के मोलिकूल्स भी हैं टिकोई केसिड भी है, के है लिपोप्रोटीन भी है वो हमने अभी पीछे ये जो अपना टेबल देखा था ठीक है ना केमिकल कंपोजिशन का तो उस इसमें भी हमने देखी हैं चीज़ें लिपो लिपोपोलिसक्राइड्स है ठीक है जो पेप्टिडोगलाइकिन के साथ लिंक्ड है सेवरल बैक्टीरियल ग्रुप्स लैक दी सेल वॉल बहुत सारे बैक्टीरियल जो ग्रुप्स हैं उनमें सेल वॉल जो है वो नहीं आ, नहीं भी हो सकती ठीक है सेल वॉल से स्ट्रक्चर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें जिस टाइप की ग्राम पॉजिटिव की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना उस तरह की सेल वॉल नहीं है और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जिनमें सेल वॉल सिरे से नहीं है ठीक है ना ये वाली चीज़ हमने उसमें देखी है स्टार्ट में भी सेल वॉल ऑफ आर्क्यू बक्टेरिया आर डिफरेंट फ्रॉम यू बक्टेरिया तो बैक्टीरिया के जो दो ग्रुप्स हैं आर्क बैक्टीरिया और यू बक्टेरिया उनमें भी सेल वॉल डिफरेंट है ठीक है ना दे डू नॉट कंटेन पेप्टीडोगलाइकिन ठीक है ना तो इनमें ये जो आर्क्यो बैक्टीरिया उनमें पेप्रीडोगलाइकिन नहीं होगा देयर सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन एंड ओके